सोलन की छावनी परिषद सुबाथो में शिमला निर्वाचन क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए सुबाथो बाजार में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत बनाने का संदेश दिया। इस दौरान सीईओ तनु जैन के अलावा छावनी उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता व भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सांसद ने स्वच्छ भारत स्वास्थ्य भारत का नारा लगाते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्वच्छता अभियान के बाद छावनी परिषद कार्यालय में पहुंचने पर सांसद ने सुबाथू में स्वच्छता की प्रशंसा करते हुए सीईओ तनु जैन व उनके कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने इस मौके पर स्थानीय लोगों से छावनी में आ रही समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया। शिमला निर्वाचन क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि आज पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुबाथो में घूमने के बाद देखा गया है कि स्वच्छता व बच्चों के लिए झूलों का विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने सुबाथो में स्वच्छता की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के कार्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत बनाने का सपना सच होते नजर आ रहा है। आज ये खुशी की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्पाटू कैंट बोर्ड में जो है कैंट का जो एरिया है उसमें स्वच्छता का अभियान जो है लिया गया और कैंट बोर्ड स्पाटू के माध्यम से इसको जो है वो संचालित किया गया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सब ने मिल मिला के जो है वो सारे शहर में जो है 2 घंटे का जो अभियान लेकर जो यहाँ पर स्वच्छता का काम किया है। और मुझे खुशी है कि जो कैंट बोर्ड स्पाटू है वो बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रहा है और यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और जो दूसरी चीज़ें हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे एक पार्क्स बनाए जा रहे हैं जिसमें छोटे बच्चों के लिए जो है खेलने के लिए झूले और छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर काम आगे बढ़ता है तो अवश्य ही जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे ले जाने में जो है वो काम कर रहे हैं उसमें सभी लोग जुड़ें तो देश अवश्य ही आने वाले दिनों में विश्व में नंबर 1 पर पहुँचने वाला है।